महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी निजी स्कूलों को सरकारी ऑडिट करना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह मांग विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अग्रवाल ने की है। उन्होंने कहा कि ऑडिट के बाद स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी। इस आदेश को तुरंत पारित करने की मांग भी अग्रवाल इन्होंने की है। पिछले 8 महीनों से राज्य के सभी स्कूल कोरोना महामारी से बंद है और सभी पालक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उसके बावजूद भी मानवता को ताक पर रखते हुए पालकों को मनमानी तरीके से लूटा जा रहा है। कुछ घंटों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर पूरी फीस वसूली की जा रही है, जो सरासर गलत है। अग्रवाल ने कहा कि सभी स्कूल सालों से करोड़ों रुपए कमा रही है और इनके रिजर्व फंड में भी करोड़ों रुपए जमा है। राज्य की सभी स्कूलें धर्मादाय आयुक्त में पंजीकृत है। इन्हें ट्रस्ट या सोसाइटी में पंजीकृत इसलिए किया जाता है कि वे समाज सेवा और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कर सके। सरकार द्वारा इन्हें विभिन्न प्रकार की छूट भी होती है। आयकर में 1 करोड़ रुपए तक सालाना स्कूल फीस अर्जित करने वाले स्कूलों को धारा 10 उपधारा 23 सी के तहत टैक्स में पूरी छूट मिली है। इससे ज्यादा जो फीस अर्जित करते हैं वे भी धारा 12 आयकर विभाग को छूट के लिए आवेदन देते हैं। सरकार का उद्देश्य है समाज को सस्ती और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का, इसलिए शिक्षण संस्था को छूट दी जाती है। सरकार चाहे तो उनके खाते का ऑडिट भी करा सकती है। सरकार चाहे तो स्वतंत्र और सरकारी एजेंसी से ऑडिट के बाद फीस तय करे, क्योंकि सरकारी ऑडिट के बाद स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। यदि स्कूलों की हालत खराब है तो राज्य सरकार उनकी मदद करे और जो स्कूल झूठ बोलकर पालकों को परेशान कर रही है उन पर कार्रवाई की जाए। NBCN न्यूज के लिए दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।